हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट, माय नेम इज़ टुम्पा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे चैनल पे आप देखेंगे पहला कुकिंग वीडियो, और ईद से अच्छा मौका क्या हो सकता है। और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मटन बिरयानी की रेसिपी, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड अबीर से मैंने ली है। पर्सनली मुझे बाहर जाके बिरयानी खाना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मटन बिरयानी की रेसिपी है जो मैंने अपनी फ्रेंड से लिया और बनाया। एंड ट्रस्ट मी, मैं खाने के फ़ोटोज़ इतने अच्छे नहीं लेती, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो आइए मैं शेयर करती हूँ आपसे इसकी रेसिपी, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले लेंगे 700 ग्राम मटन, जिसको अच्छे से वॉश करके पानी पूरा निकाल देना है। फिर उसमें मिलाइए एक चम्मच नमक और इतना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, मिला के इसको मैरिनेट करके साइड रख दीजिए। अब बात करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की। तो मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ता, दैट इज़ बे लीव, 2 क्लोव जो कि है लौंग, 2 काली मिर्च जो कि है ब्लैक पेपर, 3 इलायची ग्रीन कार्डमम, 1 दालचीनी का टुकड़ा जो है सिनेमन, 1 ब्लैक कार्डमम वो काली बड़ी इलायची, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर इज़ कोरिएंडर पाउडर। आपको लेना है 2 बड़े प्याज, जिनको आप लंबा लंबा काट के अलग रख लेंगे, जो कि बिरयानी में बाद में यूज़ होने वाला है, और इसको हम फ्राई करेंगे कढ़ाई में। 2 मीडियम साइज़ प्याज हमें चॉप करने हैं, जो यूज़ होने वाला है मटन मसाला बनाने के लिए। और लेने हैं 2 मीडियम साइज़ टमाटर, जिसका पेस्ट बना के मैं अलग रख लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। उसी तरह 2 चम्मच कर्ड लेना है, फेंट कर अलग रख लेना है बाद में ऐड करने के लिए। और एंड में हम ऐड करेंगे 2 पिंच या हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, जो कि एंड में ऐड होगा। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स, और आइए अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है एक यहाँ पे बड़ी कढ़ाई, और इसमें मैं फ्राई करूँगी स्लाइस्ड अनियंस, वो जो 2 बिग अनियंस मैंने स्लाइस किए थे, या 3 मीडियम साइज अनियन भी आप ले सकते हैं। इसको 2 चम्मच ऑयल में धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, शुरू में थोड़ी देर, 2-3 मिनट, एंड बाद में फिर हम फ्लेम बढ़ा देंगे। अब दूसरे गैस पे, जो कि कुकर में, 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेना है, और जब तक तेल गरम हो हमें ये जो चॉप्ड अनियन हमने अलग रखे थे इसको ऐड करना है कुकर में। और ये हम बना रहे हैं मटन मसाला जो बिरयानी में ऐड होगा बाद में उसके लिए। साथ साथ मेरे स्लाइस्ड अनियन भी फ्राई हो रहे हैं। अब इतना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें लेना है कुकर में ऐड करने के लिए। अनियन का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, तो अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाऊंगी और कुकर में ऐड करूंगी। ये उतना ही अमाउंट है जितना मैंने मटन में मैरिनेट करने के लिए पहले ऐड किया था। तो ये कर दिया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड, और इसी में जो शुरू में मैंने आपको सारे ड्राई मसाले दिखाए थे उनको भी ऐड कर देना है शुरू में ही तेल में, बिफोर एडिंग द अनियंस। सॉरी, वो रिकॉर्डिंग में आया नहीं, बट हाँ, ये सारे मसाले, सूखे मसाले ऐड करने हैं कुकर में। और कढ़ाई वाले अनियंस भी फ्राई हो चुके हैं, और मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसको मैं कढ़ाई से निकाल के अलग रख दूंगी। 2 टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था उसको मैं अब कुकर में बाकी मसालों के साथ ऐड कर दूंगी, और अब ये धीमी आंच पे स्लो फ्लेम पे कुक होगा जब तक ये तेल ना छोड़ दे। जैसे ही ये मसाला तेल छोड़ देगा उसमें हम ऐड करेंगे मटन। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरा मसाला कुक हो चुका है, तो इसमें अब मैं मटन ऐड करूंगी, और फिर शुरू में 5 मिनट उसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, और फिर सिम पे करके ढक देंगे फॉर 10 मिनट्स। थोड़ा सा अनियन मैं इस कढ़ाई से ले लूँगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा है,
सो इसमें से थोड़ा सा लेके मैं कुकर में ऐड कर दूंगी, बट ये कोई कुकिंग का स्टेप नहीं है, ये बस मेरे पास अनियन ज़्यादा हो गया था तो इसलिए मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ। सो नाउ इज़ द टाइम, जो मैरिनेटेड मटन था मेरा वो मैं कुकर में ऐड कर दूंगी क्योंकि मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे अराउंड 10 मिनट्स अच्छे से कुक करेंगे और फिर मैं सिम पे करके ढक दूंगी फॉर 10 मिनट्स। एंड लाइक यू कैन सी, सिम से हटाने के बाद मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है, इट्स इट्स ओन मॉइस्चर एंड वाटर। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें 2 चम्मच जो दही मैंने फेट के रखी हुई थी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दही ऐड करने के बाद मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक करके। इसमें हम अराउंड 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने पानी ऐड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम कुकर बंद करके 1 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे और फिर मैं उसे सिम पे रख दूंगी फॉर लाइक अनदर 5 मिनट्स एंड देन आई बंद कर दूंगी। क्योंकि मटन है तो इसलिए टाइम लगता है, सीटी लगाना ज़रूरी है। अगर आप चिकन बना रहे हैं इसी सेम रेसिपी के साथ तो तब आप सीटी लगाना अवॉइड कर सकते हैं। सो लाइक यू कैन सी, मेरी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपका मटन प्रिपरेशन ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी होनी चाहिए और ना बहुत एक्सट्रीम ड्राई, हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। बिकॉज़ इस पतीले में अब मैं इस मटन प्रिपरेशन को ऐड कर दूंगी और उसके ऊपर से हम ऐड करेंगे चावल। चावल है बासमती और ये है हाफ कुक्ड, पूरा कुक नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा कुक ये पतीले में भी होगा मटन के साथ। तो आइए अब मैं ये मटन ऐड कर देती हूँ पतीले में। सो या ऐड हो चुका है और इसके ऊपर से मैं वो पूरा चावल जो हाफ कुक्ड चावल मैंने बना के रखा है इसे ऐड कर दूंगी। ऑल राइट, सो चावल ऐड हो गया है और अब वो फ्राई स्लाइस्ड अनियन जो मैंने शुरू में बना के रखे थे इसे मैं चावल के ऊपर से ऐड कर दूंगी। सो बेसिकली बिरयानी में फ्राइड अनियंस का फ्लेवर का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो सैफरन थोड़ा सा पानी में घोल के उसका पानी ऐड कर सकते हैं फॉर फ्लेवर एंड कलर। मेरे पास सैफरन नहीं था तो मैंने वो अवॉइड कर दिया, लेकिन आप वो भी ऐड कर सकते हैं सैफरन वाटर। तो अब ये रेडी है, अब मैं गैस ऑन करूँगी और इसको सिम पे रखूँगी फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स और पतीले को मैं एक स्टील के ढक्कन से ढक दूँगी और मैं उसके ऊपर से एक कपड़ा भी लगाऊँगी सो दैट जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो साइड से निकल ना जाए। तो इसलिए हम ये एक कपड़ा लगाते हैं, आप चाहे तो सूखा कपड़ा रख सकते हैं या गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। सो ये हो गई है बिरयानी तैयार आफ्टर 10 मिनट्स। और इसको सर्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है जो कि मुझे अबीर ने ही बताया, मुझे नहीं पता था। तो हम बिरयानी को मिक्स नहीं करते हैं, सो बेसिकली एक साइड से दबा के निकालना है सो दैट जब हम प्लेट में सर्व करें तो प्लेट में राइस और उसका मसाला इन इक्वल प्रोपोर्शन आए। सो मैं आपको सीधा सर्व करके दिखा देती हूँ। लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मटन है और राइट साइड पे राइस है और खाते वक्त इसे हल्का हल्का मिला के हाथ से खाते हैं और बहुत टेस्टी बनी थी। सॉरी पिक्चर इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। एंड अगेन हैप्पी ईद टू एवरीवन एंड आई विल शेयर मोर कुकिंग वीडियोस इन फ्यूचर। सो या सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।